हमारी मांगे, हमारी मांगे नहीं बढ़ाओ। वंदे भारत माता की, हमारी बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग नहीं बढ़ाओ, हमारी बिल्डिंग नहीं बढ़ाओ। विशेष तौर से आज जो ये सतनाली क्षेत्र है, इसके अंदर जो 500 गांव जिस हॉस्पिटल के नीचे आते हैं, उस हॉस्पिटल के नीचे जो हजारों लोग जिस हॉस्पिटल में इलाज लेने के लिए आते हैं, ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं आप बताना चाहता हूं, उसी हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग खुद स्वयं बीमार है। मुझे हैरानी होती है, यहाँ पर जो 45-45 साल से जो राजनेता यहाँ राज कर चले गए, उनको यहाँ पर दिखाई नहीं देता, उनसे जनता की सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं। मैं इस विषय को लेकर आज सभी लोग यहाँ पर, विशेष तौर से कई सोशल मीडिया के लोग हमारे साथी कई दिन से इस बात को उठा रहे थे कि जो सतनाली के अंदर सरकारी अस्पताल है जिसकी हालत जर्जर हो चुकी है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ऐसे हालात के अंदर जो बारिश का मौसम है, तूफान आ रहा है, उसमें कोई भी हादसे से निपटने के लिए, उसकी बात को रखने के लिए, सरकार को ये बात का मैसेज देने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए और उन राजनेताओं की आंखें खोलने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं विशेष तौर से सबसे पहले सतनाली से हमारे कुंभ सिंह साहब हैं, इस हॉस्पिटल की जो शुरू से लेकर आज तक जो सारी हिस्ट्री है वो बताएं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कब बना था और किस तरीके से बनाया, किसने बनाया, और आज इसके इतने दिन सालों बीत गए, इसकी कोई सुध तक लेने वाला नहीं आया। हॉस्पिटल के बारे में कुंभ सिंह जी बताएंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में। ये हॉस्पिटल सन 1956 में बना जी, मंगल सिंह जी के टाइम में, वो CHC था उस टाइम, फिर बीच में इसको PHC बना दिया गया, फिर हुड्डा सरकार ने इसको CHC बना दिया, लेकिन इनका कोई सुधार। और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बलवान सिंह फौजी महेंद्रगढ़ गांव जूग से हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे और बताएंगे कि वो इस कड़ी में जिस तरह से बात रखने के लिए आए हैं और भविष्य में हमें किस हद तक गुजरना पड़े और हमें क्या क्या इस पे अगर जिस तरीके एक्शन लेने की जरूरत पड़ी, उसके लिए मैं बलवान फौजी से आमंत्रित करूंगा कि अपने विचार रखें। बलवान भाई, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। भाई, मैं तो एक बात कहूँगा, पीछे भी महेंद्रगढ़ में या सतनाली में किमी भी बात आई से हॉस्पिटल्स की, आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटल ने परमिशन दे रही से सरकार, और हमारा जो हॉस्पिटल सी इनमें ऐसी हालत है, अगर अंदर पेशेंट है तो ऊपर जो छत है वो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो कभी भी गिर के उसकी बीमारी से जान ना जाए और उससे जान चली जाए, इससे उसके अंदर एक डर का माहौल रहता है। डर का माहौल रहता है तो अपने आप ही आदमी को हार्ट फेल हो सकता है, 100 प्रकार की बीमारियां हो सकता है, जो कमजोर टाइप के हमारे लोग रहते हैं। जो रामविलास शर्मा जी, राव दान सिंह जी, हम तो सीधा नाम लेंगे क्योंकि 45 साल से दोनों राज में, और मैं एक हिस्ट्री बताता हूं आपको, अगर कोई बोलते हैं कि हम ये कर सकते थे, रामविलास शर्मा जी सेंटर से लेके स्टेट तक और CM के दावेदारी भी रही, अगर वो नहीं कर सकते थे उसके बाद क्या हमारे खेत जमीन बेच के दे दें। ऐसे ही दान सिंह जी सेंटर से लेकर के और स्टेट तक कांग्रेस का राज था, उस टाइम तक नहीं कर सके, तो उसके बाद हम इनको क्या क्या दें, ये बताओ, सपोर्ट कहाँ कहाँ तक करें। अब जब इनसे बात की जाती है तो जी अब की बार आएंगे तो कर देंगे, पिछली बार तुम गंडे चूस रहे थे भाई, पिछली बार क्या कर रहे थे, ये हमारे जैसे लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जो हमने एक मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान सुना था कि वो कहीं बाहर दौरे पे गए थे विदेश पे, तो एक छोटी सी उनकी न्यूज थी जिसमें ये कहा कि मैं जा रहा हूं और रामविलास जी जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक नेक्स्ट CM है। अरे जब इतनी बड़ी पावर आपके पास आ गई तब आप नहीं कर सके, तो मेरे ख्याल से ये दोनों नेता तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। इनका क्या काम है, जब एक नेता बन जाता है तो दूसरा फोन करता है, कोई बात नहीं आपकी बार तू कुछ मत करिए, जब तू नहीं करागो तो मेरा नंबर आ जाएगा। 45 साल से दोनों घुमा रहे हैं, और हमारा कोई भी बंदा आता है, जैसे विनोद जी आते हैं या और कोई बंदा आकर के यहाँ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर केस लगाने की, जैसे पीछे ये जो जिला मुख्यालय का मामला था इसमें हजारों लोगों पे हमारे ऊपर, हम भी था, विनोद भाई भी थे, सारे के सारे थे, सब पे केस दर्ज किया, जो मीडिया के भाई थे सबको पता है सब चीजें। ये सिर्फ यहाँ पर गंदी राजनीति करते हैं, और 45 साल से मैं तो एक दोषी हमारी आमजन आदमियों को भी मानता हूं, क्योंकि जब ये काम ही नहीं करते तो भर भर कर हम इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सरकार से हमारा निवेदन है,
प्राइवेट हॉस्पिटलों में महेंद्रगढ़ में चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ, आए दिन डेड बॉडियाँ निकलती हैं, क्योंकि और उनकी जो कमजोर वर्ग है उनकी जेब पर भी डाका डाला जा रहा है। जेब पर डाका डालना तो मतलब इनकी सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे ऐसे हॉस्पिटलों में अगर बंदा वैसे आ जाए तो वैसे जान गंवा दे। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, जब आप इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। इसको अभी अगर आपको कोरोना का कुछ कि हाँ ना कोविड सेंटर है यहाँ पर, आप लोगों को पता है जब भी कोरोना की कोई बात आती है तो सीधा का सीधा महेंद्रगढ़ में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। रोहतक जाओ, जयपुर जाओ, रेवाड़ी जाओ, और जब तक पहुँचता है बंदा चाहिए एक्सीडेंट लगा लो। यहाँ पर सतनाली में कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप एक बात सोचो उसको नारनौल महेंद्रगढ़ और आगे पहुँचने में ही कितना टाइम लग जाता है। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसकी मरम्मत स्टार्ट की जाए, बड़े आला अधिकारी यहाँ पर बैठाए जाए, ताकि सतनाली के लोगों, आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपनी जेब ना खाली करें और यहाँ पर आकर के अपना इलाज करवा सके। महेंद्रगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो अगर महेंद्रगढ़ के मुख्य हॉस्पिटल की बात करें तो वो रेफर हॉस्पिटल है, सतनाली की पीएचसी की बात करें तो वो बीमार पड़ा हुआ है, बिल्डिंग जर्जर है। मैं पूछना चाहता हूँ दो निकम्मे नेताओं से कि आप क्या घास सरने जाती है आपकी कल, और जो आपके लोग जो आपके नेतागिरी के जो नारे लगाते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता ये सब लोग इस तरीके से रोड पर आकर, जिस तरीके से हमारे एनजीओ साथी, आंदोलनकारी साथी, पंचायती लोग, दूसरे पीड़ित लोग आकर जिस तरीके से आप लोगों के बीच में बात रखते हैं, सैकड़ों दिन महीनों भर आंदोलन चलते हैं, तब आपको कहीं सरकार से यह चेत होती है कि महेंद्रगढ़ के अंदर सुविधाओं की कितनी कमी है, तब आपको कहीं एहसास होता है। चाहे वो नहर का हाल देख ले, कहीं हॉस्पिटल का देख ले, किसी भी व्यवस्था का देख ले, ये महेंद्रगढ़ के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि दो निकम्मे लोगों की वजह से हो रहा है। आज कोविड के अंदर अब पूरा कोरोना काल जा चुका है, 10-10 रुपए के 20 रुपए का सैनिटाइजर और 10 रुपए का मास्क, आप आम जनता के अंदर, जिस तरीके मेरे पास मास्क है, मुझे से मास्क की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन लोगों को, राहगीरों को, जरूरतमंद लोगों को आप ये चीजें बांट रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिस परिवार के अंदर कोरोना हुआ था, क्या आप उन लोगों के पास में राशन के लिए, बीमारी के लिए या कोई भी परेशानी के लिए पूछने के लिए गए? नहीं गए, क्योंकि आप सोमडरपोक हो, आप मतलब प्रोस्त हो, आपने किसी भी परेशान लोगों का हालचाल तक नहीं पूछने का प्रयास किया, बल्कि डेढ़ महीना कोरोना का बीत चुका है, आप आज मास्क और सैनिटाइजर बांटकर इस भोली वाली जनता को क्या एहसास कराना चाहते हो? आपने कोई सेवा नहीं की यहाँ पर, लोग सैकड़ों लोग यहाँ पर मरे हैं और उन मरने वाले लोगों के आप दोनों जिम्मेवार हो, क्योंकि सारी अव्यवस्थाएं यहाँ पर महेंद्रगढ़ में आपकी बदौलत रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रशासन से करना चाहता हूँ कि समय रहते ऐसे जर्जर हॉस्पिटलों की आप नई बिल्डिंग बनाएं, अन्यथा हमें यहाँ पर एक जन आंदोलन करना पड़ेगा और जिस तरीके से हमने आंदोलन के माध्यम से महेंद्रगढ़ में कई व्यवस्था बनवाने का काम किया है, उसी तरीके से हमें मजबूर करेंगे। जिस तरह बलवान फौजी भाई बता रहे थे, पिछले कई वर्षों पहले हमने मुख्यालय की मांग रखी थी, हमने तोहफे के तौर पर मुकदमे लेने का काम क्या था, आप हमें ऐसी सौगात से डराने का प्रयास ना करें। हम डरपोक लोग नहीं है, हम कायर लोग नहीं है, अपना अधिकार लेना जानते हैं और वो हर कीमत पर लेकर रहेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं है, या तो समय रहते जिस तरीके सरकार और प्रशासन और जिस तरह राजनीतिक पार्टियों के सहारे आप लोग जनता को मूर्ख बनाकर अपनी जेब भरने का काम कर रहे थे, उससे बाज आए और जनता के बीच में आकर अपना काम करने का प्रयास करें। इसी कड़ी में सवाई सिंह राठौर जी हैं, काफी समय से हमारे राजपूत समाज के प्रधान भी रहे हैं, उनसे निवेदन का वो भी बात करें। सैनिटाइज भी फॉर्च्यूनर और इनोवा स्कॉर्पियो वालों को बांटे, हमने फोटो भी देखी है, सरकारी अधिकारियों को बांटे हैं, अगर वही नॉर्मल आदमी तक तो जा ही नहीं रहा। सवाई सिंह जी, देखिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हॉस्पिटल आप पीछे कैमरा को, खुद बीमार है, लोगों की क्या सेवा करेगा? ये आज से लगभग 65 साल पहले हॉस्पिटल बना था, जब यहाँ से ठाकुर मंगल सिंह विधायक होते थे उस समय बना हुआ है। अभी 3-4 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था, कुछ कर्मचारी एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ पर लंटर का एक हिस्सा एक कोने का गिर गया, यदि वहाँ उस कोने में कर्मचारी बैठे हुए होते तो आज क्या हालत होती? ये हॉस्पिटल खुद बीमार है, क्या इलाज करेगा ये? जबकि यहाँ पर CHC का नाम दे रखे, PHC की भी यहाँ पर सुविधा नहीं है, या फिर सिर्फ कोई आता है पेशेंट उसको गाड़ी के अंदर रखते हैं और कहते हैं रेफर महेंद्रगढ़ वाले क्या करते हैं, रेफर नारनौल वाले रेफर रोहतक, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, नहीं यहाँ पर नेता है। अभी मैं बताता हूँ, सतनाली क्षेत्र में लगभग 80 गांव है, 80 गांवों का ये CHC केंद्र है, लेकिन कुछ सुविधा नहीं, किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं है। 80 गांवों के अंदर यहाँ पर हजारों पेशेंट आते हैं, लेकिन सुविधा नाम की जीरो है, कुछ भी नहीं यहाँ पर। देखिए हर आदमी यहाँ पर बोलना जानता है, कहना जानता है,
बहुत सी पीड़ाएं हैं दिल के अंदर, भावना और भड़ास भरी पड़ी है। अगर वो निकम्मे लोग यहाँ पे अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, इन लोगों की पीड़ा को समझ रहे हो, तो वो ये समझ कर देखे कि पीड़ा क्या होती है। इस कोरोना व्यास जैसी महामारी के अंदर उन्होंने जरा सा भर नोक भर भी बीमारी का एहसास नहीं करके देखा है। वो फॉर्च्यूनर में चलने वाले, वो ऐशो आराम वाले फ्लैटों में रहने वाले लोग यहाँ पर मूर्ख समझते हैं हम लोगों को, लेकिन अब ऐसा नहीं चलने देंगे हम। अब ऐसा नहीं होगा, नहीं चलेगा। आपकी खैर नहीं देंगे। हिंदुस्तान आज इसी कड़ी में हमारे संतोष सिंह शेखावत जी जो जागरूक पंच है सतनाली से, उन्होंने भी निवेदन किया था कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पर इस क्षेत्र के उन राजनेता और प्रशासन के लिए ये जर्जर बिल्डिंग दिखाई जा रही है, आप लोग भी इकट्ठा होकर हमारी मदद करें। ये सामाजिक लोग आ रहे हैं आज, तो मैं ये आपको एहसास कराने आ रहा हूँ, ये नाम मात्र लोग आए हैं। सभी सामाजिक संगठन, सभी वो आंदोलनकारी लोग और सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर स्थापित होकर यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। इसी में संतू पंच सिंह भी अपनी बातें रखेंगे। संतू सिंह शेखावत जी, आप सभी को राम राम जी, प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, तब से ये चीफ जी का दर्जा दिया गया था और इसकी ग्रांट भी आई थी, लेकिन वो ग्रांट पता नहीं कहाँ चल गई। उसके बाद में 2014 के अंदर बीजेपी सरकार बनी, माननीय रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने भी ये मांग पूरी नहीं करवाई। तो दोनों नेताओं के पहले रावदान सिंह के साथ भी रहा हूँ मैं और अब की बार रामविलास जी के साथ भी रहा हूँ, तो उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने 45 साल तक यहाँ पे जनता ने आपको वोट दिए हैं और ये 22 गांवों का केंद्र है जी, सीएचसी सतनाली। अंदर चल के पता चलेगा प्रदीप जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का भी, कि देखना कि कैसी जंजर हालत है जी, कोरोना के अंदर कितने यहाँ हमारे ये बिल्डिंग पढ़ने के कगार पर थी। हमारे साथ में विनोद जी पाली, सवाई सिंह जी राठौड़, कुम सिंह जी ताव जी, नंबरदार कंवर सिंह जी, रामजीलाल प्रधान जी, विष्णु जी पाली, देवेंद्र जी, सोहन पहलवान जी, राजू फौजी, हमारे सामाजिक बलवान जी फौजी भी आए हुए हैं। मैं इन सबसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाए यहाँ डटे रहेंगे और डटे रहेंगे, बिल्डिंग बना के रहेंगे। मैं सीएम साहब जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ पे विराजमान है शिक्षा मंत्री जी, पूर्व शिक्षा मंत्री जी रावदान सिंह जी, जो कि गुड़गांव में विराजमान रहते हैं, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनके पास भी मैंने रहा, उनके पास कार्यकर्ता के रूप में काम किया, रामविलास शर्मा जी से भी काम किया। दोनों से आग्रह करता हूं कि आप इस जंजर हालत बिल्डिंग की यहां कैसे तैयार हो रहे हैं, देखो आप अंदर चल के देखो, प्रदीप जी आपका ये कैमरा सभी मेरे सम्मानित आप देखो अंदर आके कैसी हालत है। देखिए आज ये बिल्डिंग की भी हालत दिखाएंगे। मैं एक और आपसे विनती करना चाहता हूँ, इतने सभी लोग आज ये राष्ट्रीय झंडा के नीचे हम आए हैं, आप लोग हमें मजबूर ना करें कि अगली बार हम डंडा लेकर आएं, इसलिए आज ये झंडे की आवाज आप भली भांति समझ जाएं। मैं सभी साथियों से कहेंगे हम चारों तरफ इस हॉस्पिटल के दर्शन करते हैं। अपने साथियों को और बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जिस तरह डॉक्यूमेंट लिए हमें सर्टिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने अपना एक साथी संदीप मालडा उप सुंडाराम ट्रस्ट के जो साथी हैं, हमने सीएमओ हॉस्पिटल नारनौल में सारी तहकीकात के लिए आज भेजा हुआ है उन्हें, मैं विशेष और साफ से परिचित कराना चाहता हूं। उस साथी हमारे सारे डॉक्यूमेंट लेके आएगा, बनावटी कागज कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल जो नारनौल हेड ऑफिस में है वो सारी तहकीकात के लिए हमने भेजा। लेटर आया था जी 2016-2018 सिविल सर्जन के माध्यम से, जिसके द्वारा एक कंडम घोषित किया गया था और सिविल सर्जन की तरफ से नए भवन को बनाने के लिए, पुराने को डिमोलिश करने के लिए, नए भवन का बजट पास करने के लिए 18 में इस बिल्डिंग को जर्जर हालत में घोषित कर चुके हैं, लेकिन 18 से आज 21 कमाल की बात है, एक दिन नहीं, दो महीने, तीन महीने नहीं, पूरा साल, दो साल, तीन चार साल बीत रहे हैं, नेता तान के सो रहे हैं और प्रशासन को सुधी नहीं है। आज जनता खुद अपना इलाज ढूंढने के लिए आई है कि हम इसमें मरना नहीं चाहते, पहली बात तो रेफर हॉस्पिटल, दूसरा जर्जर इलाज करने वाले हैं उनका ही सुरक्षा, वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट ले भी आपको एक संतुष्टि के लिए, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पे जो इन नेताओं को जय बोलने वाले हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम भी कहते हैं वो नेताबाद जिंदाबाद रहे, 100 साल 200 साल उनकी उम्र हो, लेकिन झूठी जिंदाबाद नहीं, काम करके जिंदाबाद बने वो, इसलिए वो कागज के तौर पे हम आपका बताना चाहते हैं
सही, अब इस तरीके से नहीं चलने देंगे। जिस तरीके से चार चार साल एक दूरदर्शन खुद डॉक्यूमेंट्री सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, उसमें खुद हॉस्पिटल के कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर सेवा दे रहे हैं, और हमारे जिस तरीके ये सतनाली क्षेत्र के लोग आ रखे हैं वो खुद तो पहली बात तो रेफर, और अगर 1% कोई इलाज के लिए यहाँ रुक भी जाए तो ये छत और ये मकान उन पर जान लेने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मैं उन नेताओं से, सरकार से, प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से, फिर से डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से एक ऑफिशियल लेटर लें और जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को बनाएं। हम ये रिक्वेस्ट है, आपको पूरी डिटेल बता देते हैं। बताओ जी, ठीक है जी, आपको बताया था 2018 के अंदर जो लेटर आया था उसके तहत बिल्डिंग को कंडम, उसके बाद ग्राम पंचायत को यहाँ पे सारे जेल तफ्तीश करने वाले, 2018 में, 2019 में, 2020 में ग्राम पंचायत को बीडीओ को लेटर लिखा जा चुका है कि नया भवन उपलब्ध कराए जब तक हमारा भवन नहीं बन जाए। अच्छा, फिर आप लोग इसे खंडर हॉस्पिटल में क्यों बैठे हैं? नए भवन मिलने के इंतजार है। हाँ, तो वो इंतजार वही हुआ, बात वही घूम फिर के आती है कि आप कागजों में सब कुछ चल रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और आप कहते हैं कि फिर भी हम यहीं पे बैठे हैं, मजबूरी हमारी, तो ये मजबूरी हम अब गांधीवादी नहीं चलेगा भाई, अब ये झंडा लेके आए हम लोग, अब डंडा लेके आने वाले हैं। अंत में मैं डॉक्टर साहब का सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ, आज एक चेतावनी के तौर पर हम लोग सतनामी और आसपास के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और इस जर्जर बिल्डिंग को आपको अवगत कराने के लिए आए थे। मैं पुनः फिर सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जनता को बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, अच्छी तरीके से इलाज किया। मैं स्वयं कोविड से इस बीमारी से पीड़ित रहा हूं, मैंने खुद सरकारी मैंने इस चीज का इलाज लिया है, और मैं मेरा पाली गांव इस सतनाली सेंट्रल हॉस्पिटल के अंडर आता था, डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने उसका अच्छी तरह से हम लोगों का उपचार किया, 14-15 गांव मेरे ख्याल से डॉक्टर इस सेंटर के अंडर में आते थे। हम इस बात से कर्मचारियों से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, हम तो इस बिल्डिंग को लेकर आए थे, जो यहां के राजनेता लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, जो चैन की नींद सो रहे हैं, हम उनके लिए यहां पर आए थे, ना कि किसी कर्मचारी की शिकायत लेके आए थे। इसलिए मैं पुनः बार-बार ये दोहराना चाहता हूं कि वो राजनेता देख लें इन हालातों को, इन करतूतों को, ये समाज सेवा है, जनता है, भगवान भी देख रहा है, तुम्हारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए पुनः आपसे आग्रह करना चाहते हैं इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनवाने का प्रयास करें। इन्हीं सब बातों के साथ जो भी साथी सभी लोग पंचायत के सभी लोग आए हैं उनका धन्यवाद करते हैं। बलवान फौजी अंत में दो बात और धन्यवाद के लिए बोलेंगे। मैं जो कर्मचारियों से, डॉक्टर साहब से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो इन जर्जर बिल्डिंग में अपनी जान जोखिम में डाल करके आमजन की सेवा कर रहे हैं। आमजन जो गांव के लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि सरकार एक ऐसी व्यवस्था होती है 2018 में, मैं तो अचंभित हूँ, मुझे आज पता चला है, मैं खुद फौजी आदमी हूँ, फौज में जब कोई बिल्डिंग हमारी उसको खत्म कर दिया जाता है कि अब इसमें कोई नहीं रहेगा, तो उसी दिन से उसके ऊपर काटा मार दिया जाता है। यहाँ 2018 से और 2021 हो गया, 3 साल हो गए, 3 साल तक ये लोग, मैं तो खुद अचंभित हूँ, सरकार कहाँ सोई हुई है, अपनी जान जोखिम में डाल करके आम जन की सेवा, कोविड में भी, वैसे भी पहले आपने जितने भी मीडिया के भाई है सबने बिल्डिंग भी पूरी देखी, कहीं से कुछ पानी टपक रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से बिल्डिंग की दीवार ही फटी हुई आपस में। तो मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि फटाफट आपको जितना जल्दी हो सके इन डॉक्टर साहब को, जो कर्मचारी विभाग है पूरा का पूरा मेडिकल, इनकी भी जान की, क्योंकि इनके भी बाल बच्चे हैं, जब किसी के आदमी जाता है ना, अब हम खूब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब किसी का आदमी जाता है, किसी का बेटा जाता है, किसी का बाप जाता है, किसी का भाई जाता है, उस परिवार को उसके जाने के बाद पता चलता है, उससे पहले तो आप और हम सब हल्ला कर लेंगे। तो सरकार से निवेदन है, ये आप ही के कर्मचारी है, हमारी आप मत सुनो, लेकिन अपने कर्मचारियों की तो जान जोखिम में मत डालो, क्योंकि डॉक्टर की एक पढ़ाई बहुत लंबे पैसे भी खर्च करके होती है और बहुत ही हार्ड पढ़ाई होती है। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि आप अपने कर्मचारियों का भी सहयोग के लिए, इस बिल्डिंग का, आमजन के लिए, और इसका सपोर्ट करें, बिल्डिंग को तुरंत बनाने का काम करें। अगर सरकार नहीं करती है, मैं विनोद पाली भाई, सवाई सिंह जी को और पंच साहब को, सबको बताना चाहता हूं कि अगर इन्होंने जो भी टाइम पीरियड भाई साहब करेंगे निर्धारित, अगर या तो कर लें, अन्यथा इनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए हमारे पास पत्थर है, क्योंकि इनके सर में मारेंगे तब जाकर के इनको मेडिकल का पता चलेगा कि कैसे लोग आते हैं और कैसे क्या होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बलवान फौजी, आपने बिल्कुल सख्त लहजे में इन लोगों को चेता दिया है, और मेरे ख्याल से सीआईडी के लोग भी आए हैं, वो भी सरकार के लोग जो बैठे हुए शासन के, वो प्रशासन को बता देंगे इस बात को लेके कि लोग बड़े ही आक्रोश मूड में हैं। और जिस तरीके से यहाँ के राजनेता, मैं उनसे एक सलाह देना चाहता हूँ, आपकी राजनेता ही बहुत चल गई, आप अभिनेता बन जाएंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से नौटंकियां करते हैं, आप अभिनेता बनने के लायक है, आप बंबई चले जाएंगे, अब आपके पास बहुत माल बन गया है, आप वहां पर नौटंकी करें, वहां फिल्मों में भर्ती हो जाए, यहाँ जनता की सेवा के लायक आप नहीं बचे, क्योंकि आपने नौटंकियां बहुत करके दिखा ली। इसी कड़ी में मैं समाज के यहां से उप प्रधान जी हमारे रहे हैं सवाई सिंह जी, उनसे भी कहूंगा कि धन्यवाद करें। और जिस तरीके से आज ये आक्रोशित हमने यहां पर जो मीटिंग बुलाई थी और सभी लोगों ने ये मांग रखी थी, उसी कड़ी में सामूहिक तौर से सभी क्षेत्र के लोगों से विचार विमर्श करके एक चेतावनी के तौर पर अंतिम जो निर्णय लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा कि अगले कितने समय में अगर ये बिल्डिंग नहीं बनती है तो उसके बाद में ये जो नेता और प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगी। अब धन्यवाद के लिए सवाई सिंह जी। देखिए, आज कई सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं उनका सतनाली की तरफ से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। अभी बलवान सिंह भाई साहब ने, विनोद जी पाली ने बता दिया है, अगली मीटिंग जो हमारी होगी उसमें टाइम रखा देते हैं, टाइम तक या तो बिल्डिंग बन जाएगी, नहीं तो जो पहले विनोद जी ने कहा था आपकी बार तो झंडा लेके आए, अगली बार विनोद जी अगली बार क्या लेके आएंगे? बिल्कुल झंडा लेके आएंगे। देखिए, ये हॉस्पिटल खुद बीमार है, एक बेचारा क्या इलाज करेंगे, स्टाफ क्या इलाज करेंगे, खुद बीमार है। आप लोगों ने, पत्रकार भाइयों ने बिल्डिंग देखी होगी, जर्जर हो रही है, ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं सरकार से मांग करते हैं, सरकार तो नाम मात्र ही है, ये तो सिर्फ नाम मात्र सरकार बची है, यहाँ के नेता हैं वो यहाँ पर। अभी मैं बता दूँ, इस कोरोना काल में बलवान सिंह जी सतनाले के अंदर कम से कम 40 लोग चले गए, भगवान के प्यारे हो गए, लेकिन किसी भी नेता ने, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी की दहलीज पर नहीं आया। और सतनाले CHC के अंदर कम से कम, ज्यादा नहीं तो मैं 400 आदमी बताता हूँ, 400 आदमी की जान चलेगी, क्योंकि यहाँ राजस्थान भी इसके नीचे आता है, लेकिन किसी भी नेता ने, वोट का टाइम पर जब पड़ेगा हम आपकी सेवा करेंगे, दुख सुख में साथी होंगे। जब एक गांव का सरपंच बनता है तो क्या होता है, दुख सुख में साथी होता है वो हमारे गांव का, सभी का। तो गांव का सरपंच आ सकता है लोगों के घरों घरों में, लेकिन ये नेता क्यों नहीं आ सकते? कोरोना, अगर कोरोना का डर है इनको तो ये चुनाव लड़ना छोड़ते, दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? दूसरा जगह जा रहे हैं, काफी गांव लग रहे हैं इसके नीचे। तो मैं पुनः फिर इन सामाजिक संगठनों का यहाँ पर पधारने पर सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्या नाम है भाई का? राजू फौजी। राजू फौजी भाई का। और अभी क्या कह रहे थे आप, बता रहे थे कुछ? मैं यहाँ कई दफे आया हूँ, ये जो मेरा हॉस्पिटल है, ये काफी गांव इसके नीचे आते हैं, ब्लॉक है ये, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे डिलीवरी भी नहीं करवा सकते। कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे डिलीवरी भी नहीं होती, रेफर टू नारनौल होता है। तो ये जो हॉस्पिटल है ये सिर्फ ये मान के चलो कि रेफर के लिए, रेफर के लिए एक पॉइंट बना रखा है कि यहाँ को सरकारी कर्मचारी बैठ जाते हैं, अदरवाइज यहाँ इलाज नहीं है, इलाज के नाम के ऊपर ये हॉस्पिटल जीरो है। यहाँ पे सुअर घूमते हैं, देखो ये सो रहे। ये जो ये तो जगह खाली है जी। जी दीप जी, जी ये CHC के लिए ग्राम पंचायत छतनाड़ी में, मैं पंच हूँ आलिया, वार्ड नंबर 4 से। जी डॉक्टर साहब ने अभी बताया था, हमने रजिस्ट्री के लिए पूरे कागज दे दिए जी, और हम तैयार हैं, अभी हमारा कार्यकाल फरवरी के अंदर पूरा हो गया, तो BDO साहब के पास है जी, जी उनसे भी हम अच्छे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि वो ये CHC बिल्डिंग के लिए यहाँ पे रजिस्ट्री करवाएं। बिल्कुल। और जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, प्रदीप जी, बताओ जी। आप आए, आपका दिल से धन्यवाद। मैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और मैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा, आपकी सरकार है जी, आपकी सरकार में फुल चलती है, आपने काम किया है। पीछे मैंने बताया था कि दोनों नेताओं ने छतनाड़ी में विकास किया, राव दानसिंह जी ने भी किया, सच को सच कहना चाहिए, तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने भी काम किया है यहाँ पे। तो मैं उनसे अभी कहना चाहूँगा कि उनकी सरकार है जी, और उनके साथ में BJP में अभी कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ हूँ जी, मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आप उनसे निवेदन है कि इतनी बड़ी आपको सारा मौका दिखाया, तो हाथ जोड़ के विनती है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास, आप उनको डायरेक्ट यहाँ पे निरीक्षण के लिए ले आए, और हमारी नवनीत बिल्डिंग बनाने का काम करें। तब तक हम, जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक हम चैन से नहीं बांटेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।